Click on subscribe and then click on the bell button for more updates. Hello? Hello? अब इनकी मर्जी है, जो चाहे कर सकते हैं भाई, इनका राज है। हम तो देखिए यहाँ कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, जो ये देखिए महिलाओं को भी डिटेन किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स है, देख लीजिए हमको पकड़ के ले जा रहा मैं रोजा, वहा लगेगा इन लोग को संक्रमण फैला था तो ऐसे में हमारे बच्चा दूध पीने वाला, हमको छोड़ दो। अभी भी आप देख रहे हैं कि हम लोग इनसे अपील करते जा रहे हैं कि शांति से हट जाएं, शांति से जगह छोड़ दें, और हम लोग जो हटाने के लिए जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे, क्योंकि प्रोहिबिटरी ऑर्डर फोर्स में है, कमिश्नर ऑफ पुलिस के, दिल्ली सरकार के और तमाम जो अथॉरिटीज के। तो हमारा उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह से इस जगह को जल्दी से जल्दी खाली करवाया जाए। हेलो हेलो हेलो, आ रही आवाज़, आ रही आवाज़, आ रही है। वरना जो स्ट्रिक्ट एक्शन है वो लेंगे आप। देखिए यहाँ तमाम तैयारियाँ जो है लाउड स्पीकर्स के जरिए की जा रही है पुलिस की तरफ से, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये तस्वीर। देखिए पूरी जो फोर्स है यहाँ पर, फोर्स एक तरह से यहाँ से मूवमेंट जो है वो शुरू हो गई है। मैं आपको पूरी तरह से दिखाना चाहूँगा, ये देखिए आ रही आवाज़, आ रही आवाज़, आ रही है। खाली कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, अपील की गई है लोगों से, और कुछ लोगों ने उस अपील को भी माना है। यहाँ पर आप देखिए पूरा टेंट जो है उखाड़ दिया जा रहा है, इस रोड को भी अब क्लियर करने की कवायद जो है वो की जा रही है। ये ठीक जिस तरह से दिल्ली में धारा 144 लगी हुई है और ऐसे में संक्रमण का खतरा है, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये कवायद जो है वो की जा रही है। आप देखिए यहाँ से दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, खुद लोकल लोग भी मौजूद हैं जो इसको खाली अपने आप ही जो है वो करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जिस तरह से संक्रमण की स्थिति पैदा हुई है, ऐसे में इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये यहाँ पर सुबह सुबह ही भारी पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया था। और आप देखिए यहाँ से पूरी जो प्रक्रिया है टेंट हटाने की प्रक्रिया जो इस समय चल रही है, और यहाँ कोशिश यही की जानी चाहिए कि कोई हिंसा की कोई स्थिति ना हो। और आप देखिए ये पूरी तरह से इसको खाली करा दिया जा रहा है और इस रोड को भी क्लियर कराया जाएगा। मैं आगे आपको दृश्य दिखाता हूँ, इस पूरे रोड को यानी जो सारी गलियां हैं उसको ब्लॉक कर दिया गया है। ये आप देखिए यहाँ पर सारी जो तमाम गलियां उनको ब्लॉक कर दिया गया है ताकि किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस जो है वो ना हो। ऊपर छतों पर भी पुलिस तैनात है, यानी हर एक जगह जो है वो पुलिस तैनात कर दी गई है, और इस रोड को आज क्लियर कर दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से पुलिस का यहाँ पर कार्रवाई चल रही है, खुद पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं। और यहाँ एक तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये दृश्य है, ये आप देखिए उस तरफ काफ़ी लोग खड़े हैं और यहाँ पर जो है पुलिस फोर्स खड़ी हुई है, और अपील लोगों से की गई है कि किसी तरह का कोई हिंसा जो है वो ना करें, कानून को अपने हाथ में ना लें, और जिस तरह से संक्रमण का खतरा बना हुआ है उन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है। और आप देखिए ये कोर्ट का ऑर्डर है, पुलिस का ऑर्डर है, जिसमें पुलिस ने धारा 144 लगा रखी है। ये कहा है कि लोग इकट्ठे ना हो, लेकिन उसके बावजूद प्रदर्शन जो है चल रहा था, लेकिन अब स्थिति ये है कि यहाँ पर पुलिस मौके पर पहुंच गए, और यहां से आप देखिए तमाम जो कवायद है शाहीन बाग को हटाने की। क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड देन क्लिक ऑन द बेल बटन फॉर मोर अपडेट्स।